वेलकम टू वन एंड ऑल. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है अरिथमेटिक. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट वेरी फर्स्ट चैप्टर, डेट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और यहाँ पर हम आपको बताएंगे CBSE मैथ्स. ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ AP की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ AP बहुत ही ईजी है. जितना वो होल्ला मचाया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा कि AP ऐसा है वैसा है, लेकिन AP में सिर्फ दो ही सच हैं. मैं आपको बताने वाला हूँ वो दो सच कौन से हैं. देखिएगा, हम बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं. कॉन्सेप्ट की क्लास 5th में आप लोगों ने पढ़ा होगा. इस तरीके के कुछ टर्म्स, कुछ पैटर्न्स आपको दिए जाते थे, जैसे कि 2, 4, 6 लिखा हुआ, और आगे आपको बोला जाता था कि फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स. मुझे मालूम है आप सभी बता देंगे कि इसका जो आंसर होगा, पहला नेक्स्ट टर्म होगा 8, देन होगा 10, देन होगा 12. और ये टर्म्स आपने 8, 10, 12 बताए. इसमें आप जान सकते हैं कि इसका जो आपने कैसे बताया, इन हर टर्म्स के बीच का एक कुछ अंतर मिला आपको, डिफरेंस मिला, जो कि क्या था, 2. और आपने वही 2 क्या किया, हर टर्म में 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में 2 टर्म, 10 ऐड किया 10, 10 में 2 ऐड किया 12. बस यही कॉन्सेप्ट है. अब इस सीरीज में आपको देखना है कि ये जो फर्स्ट टर्म है, हम इसको A से डिनोट करते हैं, और इसी तरीके से इनके बीच हर टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको डिनोट कर दें D से. तो मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में सिर्फ दो ही मेन सत्य हैं. पहला है फर्स्ट टर्म A, जिसको डिनोट करते हैं A से, और कॉमन डिफरेंस जिसको डिनोट करते D से. तो यहाँ हमको पता चला 4 माइनस 2 इट मीन्स 2. अब इसी तरीके से इसका दूसरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जो बात करते हैं, वो पूछा जाता है कि यदि आपके पास ये AP दी हुई है, ठीक है, उस AP का सम बताइए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स टर्म दी थी, तो आपको 6 टर्म्स का सम करने को बोला जा सकता है. यहाँ पर हमने एक टर्म सिंपल सा लिया आपके कॉन्सेप्ट के लिए, जैसे 1, 2, 3, नेक्स्ट 2 टर्म्स ब्लैंक दी हुई है, बोला वो इनका सम बताइए. तो हमें मालूम है आप इनका नेक्स्ट 2 टर्म निकाल सकते हैं. 1, 2, 3 नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या आ जाएंगे आपकी, 4, 5. हम आपसे बोले इनका सम करिए, तो आप सम करेंगे 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15. एक बार अगेन कंफर्म कर लेते हैं, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15. इट मीन्स टोटल कितना आ गया आपके पास, 15. अब हम एक फॉर्मूले से बताते हैं जो आपको क्लास 10th में मोस्टली यूज करना है, क्योंकि ये तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. वहां पर आपको कोई सा भी एक AP दिया जा सकता है जो 31 से स्टार्ट हो जाए, 33 से स्टार्ट हो जाए, और पता नहीं कहां पर भी एंड हो जाए, ठीक है. तो इसके लिए आपको सम ऑफ एन टर्म्स के लिए एक फॉर्मूला लगेगा. वो फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स का n/2 (2a + n-1)d, जहां पर A क्या है आपका फर्स्ट टर्म, यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है आपने देख लिया 1, ठीक है. एन नंबर ऑफ टर्म्स, इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 स्पेसेस दे, इट मींस 5. अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे. देखिए एन की जगह रख दी हमने 5 अपॉन 2, 2, ए की जगह 1 रखा, देन एन की जगह 5 माइनस 1 और डी रखा 1. इसको सॉल्व करेंगे तो आया 5/2, ये 2 प्लस 4 × 1 = 4, ये हुआ आपका 5 अपॉन 2 × 6 = 5 × 3 = 15. ये हमारा आंसर हुआ. थैंक यू. ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है. और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.